आज हम बनाने जा रहे हैं मावा मटका कुल्फी, जो कि एक आसान रेसिपी है और इसे आप घर में झटपट बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और बनकर भी फटाफट तैयार हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, जिसे घी से ग्रीस कर लेंगे और उसमें 150 ग्राम चीनी डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको कैरमल बनाना है। यहाँ मैं कैरमल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुल्फी का जो एग्जैक्ट कलर होता है वो कैरमल से आता है, और जो टेस्ट होता है जो बाजार की कुल्फी में होता है वो भी इसी कैरमल से आता है। तो सबसे पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे आप अपनी 150 ग्राम चीनी को पकने दें। इसमें किसी भी तरह का पानी या आप घी बटर ऐड ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे कुल्फी बना रहे हैं। अगर कोई और चीज़ बनाते तो ज़रूर ऐड करते। अब आप धीरे धीरे इसको पकने दीजिए। बहुत जल्दी चीनी पिघलने लगती है और पानी जैसी कंसिस्टेंसी की हो जाती है, तो इस समय आपको खास ध्यान रखना है कि फ्लेम तेज ना हो और आप इसे छोड़े ना। लगातार चलाते हुए आप अपनी चीनी को पिघलने दें। कुछ 3 से 4 मिनट लगते हैं कैरमल को बनने पे, और इस कुल्फी को बनाने के लिए आप हैवी बॉटम की कढ़ाई यूज करें। यहाँ पे मेरा कैरमल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम, जब हमारा कैरमल तैयार हो गया है, इसके अंदर 1/2 लीटर दूध डालेंगे। जैसे ही आप दूध डालेंगे आपका कैरमल चिपक जाएगा और दूध के साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है और कैरमल हमारा बहुत गर्म था, इसलिए इसकी एक ऐसी पपड़ी सी बन जाती है। लेकिन 2 से 3 मिनट में ही ये इस घोल के अंदर मिक्स हो जाएगा। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, और अब आप इसे फुल आंच पे बॉईल होने दीजिए। यहाँ हम एक घोल बना लेते हैं। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें और इसी के साथ 4 चम्मच आप मिल्क पाउडर ले लें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से एक क्रीमी टेक्सचर हमारी कुल्फी में आएगा। कॉर्नफ्लोर और अरारोट दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, आप जिसे भी चाहें यूज कर सकते हैं। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाला है और हमारी स्लरी अच्छे से बना ली है। अब जैसे ही हमारे दूध में उबाल आने लग जाए, आप धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर की स्लरी को डालें। एक बार में ना डालें, धीरे धीरे डालें और इसे मिक्स करते जाइए। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे थोड़ा दूध गाढ़ा हो जाएगा और हमारा जो इस दूध का कलर है वो बिल्कुल कुल्फी वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे कैरमल से बनाया है। यहाँ मैं धीरे धीरे सब कुछ मिक्स करती जा रही हूँ और उबाल आने का वेट कर रही हूँ। कुछ 4 से 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं हमारी कुल्फी का कलर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आप इसे 4 से 5 मिनट और उबलने दें। जब अच्छा उबाल आ जाए तो आपको इसके अंदर 100 ग्राम मावा डालना है। ये घर का बना हुआ मावा है और मैंने इसे अच्छा सेका है, मतलब कम ना सेकें, बिल्कुल सफ़ेद ना रखें, हल्का सा ब्राउन इफेक्ट अपने मावे पे जरूर दें। जब आपका मावा अच्छा सिका हुआ होगा तो दूध में जाते ही उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। फ्लेम को ऑफ कर दें और अब आप कुछ 3 से 4 मिनट इस पैन को चलाते जाइए। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका है चम्मच के पीछे। अगर ये फ्लोई होगा तो ये चम्मच पे नहीं चिपकेगा। अब आपको इसे बिल्कुल ठंडा करना है, कम से कम 1 घंटे तक। मैंने पैन से निकाल लिया है और इसे मैंने एक बड़े बर्तन में खाली कर लिया है। रीज़न ये है कि अगर पैन में ही छोड़ देंगे तो नीचे की लेयर जल जाएगी, तो जिस बर्तन में पका रहे हैं उससे खाली करके इसे ठंडा होने दें। अब यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है और एक छोटा सा मटकी ली है। आप इन मोल्ड्स में अपनी कुल्फी का जो बैटर है उसे भर दें और 5 से 6 घंटे के लिए इसे फ्रीज कर दें। मैं वो चीज़ शूट नहीं कर पाई हूँ भरते हुए, तो अब मैं आपको डीमोल्ड करते हुए दिखा रही हूँ। 8 घंटे बाद जब मैंने अपनी कुल्फी डीमोल्ड की है, तो आपको इस तरह से डीमोल्ड करनी है। कुल्फी को पहले थोड़ी देर पानी में रखें, जिससे कि वो अपना जो मोल्ड है वो छोड़ देगी। अब आप इसे थोड़ा सा हाथ से रब करें, इस तरह से आपकी जो कुल्फी है वो बहुत आराम से निकल जाएगी मोल्ड से बाहर। आप इसे जब चाहते हो तभी इसे निकालें, जब आप इसे खाना चाहते हैं तभी आप इसे सर्व करें, क्योंकि अगर बहुत पहले से निकाल देंगे तो स्टिक अलग हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक कुल्फी निकाल दी है। मटका कुल्फी भी मेरी तैयार है और मैं गार्निश कर रही हूँ फाइनली इसको थोड़े से पिस्ते के साथ।
हमारी आज की मावा मटका कुल्फी, वो भी होममेड बनके तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। सिर्फ ध्यान देना है आपको कैरेमल पकाते समय, और चीनी आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। मैंने 150 ग्राम डाली है। अगर आप तेज मीठा खाते हो तो 200 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन 500 ml के अंदर 150 ग्राम चीनी बहुत होती है। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टैग करें अगर आप मेरी रेसिपी को बनाते हैं तो, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की हमारी होममेड कुल्फी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।